चलिए और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर में विधानसभा का उपचुनाव होना है, यहां जहां बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं मंगलोर से पूर्व मंत्री करतार सिंह को उम्मीदवार चुना है। 10 जुलाई को उपचुनाव होगा और 13 जुलाई को परिणाम घोषित होंगे। तो उत्तराखंड के 2 विधानसभा जिनमें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सरगर्मियां भी दोनों सीटों पर तेज हो गई हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर में विधानसभा को लेकर उपचुनाव जहां इन दोनों ही सीटों पर होना है। बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, इसके अलावा मंगलोर से पूर्व मंत्री करतार सिंह को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, 2 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, बद्रीनाथ और मंगलोर में, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या जानकारी और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, उपचुनाव को लेकर आप स्वयं भी इस बात का नाम से जिक्र कर रहे हैं कि जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और 2 विधानसभाओं पर जो है वो उपचुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा जो निर्वाचन आयोग है उसके स्तर पर भी तैयारियां की जा रही, जो नामांकन से संबंधित नाम वापसी है स्पूटनी है और मतदान को लेकर के और मतगणना को लेकर के तैयारी की जा रही है। जबकि राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो ये सीट बसपा के पास थी और बसपा के जो तत्कालीन विधायक रहे उनके निधन के बाद ये खाली हुई। अब बसपा ने भी अपने जो उनके विधायक रहे हैं और उनके बेटे को जो है वो टिकट दे दिया है। जबकि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी न सिर्फ मंगलौर विधानसभा से बल्कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो दोनों ही विधानसभाओं के जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके नाम की घोषणा कर दी है। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने अभी फिलहाल जो उम्मीदवार हैं उनको तो घोषित नहीं किया है, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं पार्टी के नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग राजनीतिक दल, राज्य का निर्वाचन आयोग और जो जो व्यवस्था है उनको किया जा रहा है। हम देखेंगे कि आज से जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो बीजेपी के जो नाम उम्मीदवार घोषित किए गए ये कब तक नामांकन करेंगे दोनों ही विधानसभाओं में, और जो अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं वो कब तक करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि जो इनका इतिहास रहा है विधानसभा क्षेत्रों का, उसमें जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर जो है वो उत्तराखंड के जनमानस ने जनादेश दिया है, तो अब इससे उत्साहित है बीजेपी। अब देखना होगा कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर आखिर कौन जीतता पत्थर लहराने वाला है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात रहेगी ही, लेकिन अगर समीकरणों की भी बात कर ले तो इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल किस प्रकार के समीकरण हैं, और अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो यहाँ विपक्षी पार्टियां कितनी दमदार हैं या कितनी तैयारी में हैं? अब देखिए, उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से इन दोनों जनपदों की जो 2 विधानसभा है, हरिद्वार हो या फिर चमोली जनपद हो, बद्रीनाथ विधानसभा हो या फिर मंगलौर विधानसभा हो, दोनों में ही बीजेपी की सीटें नहीं थी और चूंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसके परिणाम बीजेपी के फेवर में आए और उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है और दूसरी बार उत्तराखंड के जनमानस ने बीजेपी को अपना विधानसभा के चुनाव में 2022 में जनादेश दिया था, तो इसको लेकर बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है और बीजेपी जिस तरह से चुनावी प्रबंधन तंत्र की माहिर पार्टी मानी जाती है उस लिहाज से बीजेपी को लग रहा है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होना सुनिश्चित है। क्योंकि जो बद्रीनाथ की विधानसभा है, जो बद्रीनाथ विधानसभा से जो तत्कालीन विधायक रहे राजेंद्र भंडारी जिनको अब बीजेपी ने ही अपना उम्मीदवार बनाया, ये कांग्रेस से थे और कांग्रेस छोड़ ये बीजेपी में आए और इनके इस्तीफे के बाद ही जब इन्होंने विधायक के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दिया विधानसभा अध्यक्ष को, उसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर चुनाव हो रहा है। तो अब हालांकि एक पहलू ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ अगर उस पर गौर करें तो उसमें बीजेपी को काफी बढ़त मिली है, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो कांग्रेस के पास सीट हुआ करती थी अब इस पर बीजेपी परचम लहराएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है जो बीजेपी के नेताओं का मानना है। जबकि हरिद्वार मंगलौर की अगर हम सीट की बात करें तो इस पर बसपा का दबदबा रहा है,
तो अब ये देखना होगा कि इससे किस तरह से बीजेपी जो है वो जीत का पक्ष लहराएगी और कांग्रेस भी इसमें जिस तरह से जीत के दावे कर रही है कांग्रेस को जीत मिल पाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, चूंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि पहले कांग्रेस की ये सीट रही, उसके बाद में फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो चुनाव जीते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जब कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, उस समय जनता ने उन्हें कांग्रेस के पार्टी में रहते हुए वोट दिया, लेकिन अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, दूसरी पार्टी में वे शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे में सवाल ये है कि जो जनता है, जो वोटर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए उन्हें वोट दिया था, क्या वो वोटर्स भी अब उनके साथ शिफ्ट होंगे? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो नेता है वो अपने स्वार्थ भी देखते हैं और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति होती है जिसके तहत अपनी रीति नीति के तहत चुनाव पार्टियां लड़ती हैं या फिर सरकार के रूप में जब वो भी पार्टी राज्य की कमान संभालती है तो वो जनमानस के कल्याण की बात करती है और ऐसे में अभी एक कोई भी व्यक्ति विशेष एक जनप्रतिनिधि के रूप में अभी किसी पार्टी से चुना गया है और सभी मतदाताओं को ये भरोसा दिलाया गया उस वक्त भी कि हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ सरकार बीजेपी की है और फिर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होना, इससे क्या मतदाताओं की जो मनोदशा है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और क्या 10% मतदान होगा और क्या जो मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे क्योंकि कांग्रेस की सीट रही है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि सूझबूझ के किस रणनीति के तहत जो है यहाँ पर मतदाताओं को अपने पक्ष में खड़ा करने में, अपने पक्ष में मतदान कराने में बीजेपी सफल हो पाएगी। बिल्कुल बड़ा सवाल रहेगा और देखने वाली बात भी रहेगी कि आखिरकार जनता इस बार किस पर भरोसा जाती है, किसके नाम पर मुहर लगाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।